ग्राम पंचायत बखतपुरा सहित कई ग्राम पंचायतों में खूब घुमा भ्रष्टाचार का पहिया, जहां पर कलेक्टर से निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। प्रदेश सरकार में पिछले 4-5 सालों में गांव में बहुत विकास हुआ, कच्ची सड़कें गायब हो गई और गांव में जनता देखते ही रह गई। विकास हुआ तो भ्रष्टाचार भी खूब हुआ और विकास और भ्रष्टाचार का पहिया साथ साथ घुमा। भ्रष्टाचार करने में लगातार प्रधानों के अधिकार सीज होते रहे और कई जगह निर्माण कार्य केवल कागजों में ही सिमट कर रह गए हैं। कोरोना काल में भी सफाई, मास्क आदि खरीदने के नाम पर बहुत भ्रष्टाचार हुआ है और गरीब जनता आए दिन प्रधानों के खिलाफ सरकारी योजना का लाभ उठाने अपात्र रिश्तेदारों या करीबियों को देने के आरोप ही लगाते रह गए और विकास कार्यों में धांधली होती रही। ऐसा ही एक मामला परेला तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत बखतपुरा में भी देखने को मिला है, जहां पर मनरेगा अंतर्गत तालाब निर्माण का कार्य जेसीबी मशीनों से कराया जा रहा है और इसकी सूचना जवाबदारों को भी दी गई है, लेकिन वहां सुनने वाला कौन, जनता कहते ही रह गई। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत की जनता काम के अभाव में पलायन करने को मजबूर है। ऐसे में जब स्थानीय लोगों द्वारा शिकायत की जाती है तो अधिकारी कर्मचारी जांच करने का आश्वासन देकर सिर्फ और सिर्फ लोगों की तसल्ली के लिए फर्जी जांच भी हो जाती है और सही जांच न होने की वजह से नाराज बुंदेलखंड किसान यूनियन के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने भूख हड़ताल कर कहा कि जब तक सही जांच नहीं हो जाती है तब तक हमारी भूख हड़ताल जारी रहेगी और कहा कि आखिर शिकायत की जाए तो किससे की जाए। भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारियों पर न तो कोई कार्रवाई की जाती है और न ही भ्रष्टाचार रुकने का नाम ले रहा है। भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारी ही अपनी जांच कैसे सही कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने कलेक्टर महोदय से अपील की है कि कमेटी गठित कर निष्पक्ष जाँच कर भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारियों पर कार्यवाही होना चाहिए। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार नारायण, बुंदेलखंड किसान यूनियन राष्ट्रीय संगठन मंत्री। आज जो ज्ञापन दिया किस संबंध में? देखिए, हमने 8 तारीख को कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया था कि ग्राम पंचायत बखतपुरा में जेसीबी से कार्य हो रहा है। तहसीलदार महोदय को भी सूचना दी, सीओ साहब को भी सूचना दी, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा, ना ही कोई कार्रवाई की गई है। तो हम लोगों की यही मांग है कि उचित जाँच कर। अब हम लोगों ने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है कि आप अपनी टीम के माध्यम से जाँच करवाएं और जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई करवाएं। और एवं हम तो अभी बुधवार के दिन से अनशन में बैठ रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं कि पलेरा सीओ को हटाया जाए और आकांक्षा तिवारी और राजपूत को, जो इंजीनियर है, उसको हटाया जाए और ग्राम पंचायत बखतपुरा के सरपंच और सरपंच सेक्रेटरी सहायक सेक्रेटरी पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, क्योंकि बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ है। और हम तो ग्राम पंचायत बखतपुरा में सूचना अधिकार नियम के तहत एक आवेदन भी दिया था, लेकिन आज तक कहीं भ्रष्टाचार की पोल ना खुल जाए, इस कारण से आज तक हमें एक भी नकल प्रोवाइड नहीं करवाई गई। जब तक सीओ साहब नहीं हट जाते तब तक हम लोग अनशन से नहीं हटे। आप यहाँ किस लिए बैठे हैं? देखिए, दिनेश कुमार नारायण, बुंदेलखंड किसान यूनियन राष्ट्रीय संगठन मंत्री। क्योंकि 8 तारीख को कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन सौंपा गया था जिसमें जेसीबी मशीन से जो कार्य किया गया है ग्राम पंचायत बखतपुरा में, उन कार्यों की सही तरीके से जांच नहीं की गई। किसी दूसरी ज़मीन पर काम किया गया है और दूसरे जगह की जांच की गई। तो हमने कलेक्टर महोदय को दोबारा 14 तारीख को फिर से एक ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में हमने यह कहा कि कलेक्टर महोदय अपनी टीम गठित करें और इस मामले की जाँच कराएँ, नहीं तो बुंदेलखंड किसान यूनियन के पदाधिकारी कार्यकर्ता 16 तारीख से भूख हड़ताल पर बैठेंगे। तो हम लोगों ने चूँकि घोषणा कर दी थी और हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, हम तो यही चाहते हैं कि कलेक्टर महोदय एक टीम गठित करें और अपनी टीम के माध्यम से इस मामले की। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए टीकमगढ़ से मनोज सिंह की रिपोर्ट।